Hello students, welcome to MABN online classes. And today I discuss our new chapter MS Excel, and its name is Formula Function in Excel. देखिए आज हम यहाँ बात करेंगे formula function in Excel में. इस chapter में हम लोग formula क्या होता है, function क्या होता है, Excel में उसको कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे. तो हम आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम इसको दिखाएंगे कि क्या होता है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको यूज करने पड़ेंगे, उसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ इसके यूज हैं, कहाँ पे आपको ये मिलेंगे. तो हम इसके बारे में खुद स्क्रीन पे देखेंगे. तो हमारा जो चैप्टर है एक्सेल, एक्सेल एक टूल्स है. एक्सेल क्या है, टूल्स है. इसका टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. इसका टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. हम इसमें चलते हैं, देखते हैं इस टूल्स के बारे में, ये टूल्स कैसे ओपन होता है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे और इसके क्या क्या पार्ट है. तो हम चलते हैं देखते हैं इसमें. ये देखिए यहाँ पे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको विंडो की स्क्रीन मिलेगी. इस विंडो पर विंडो बटन पे आप क्लिक करेंगे. विंडो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आर प्रोग्राम. हम इस आर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे. इस आर प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इसके सारे टूल्स ओपन हो गए. अब यहाँ पे हमारा जो टूल्स है जिसके बारे में हम जानेंगे, उस टूल्स का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. देखिए इसके बारे में हमें जानना है. हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस टूल्स में, ये आपका क्या है, आप एक्सेल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हो गई है टेबुलर फॉर्म में, ये स्क्रीन ही आपकी क्या है, एक्सेल स्क्रीन है. इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल स्क्रीन है. यहाँ आप देखेंगे बुक वन लिखा है, तो ये क्या है, ये बुक के फॉर्म में है. जैसे हम एक बुक में कई पेजेस देखते हैं वैसे ये भी क्या है, एक बुक है और इसमें कई पेजेस है. ये पेज है, उसका पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, इसको आप यहाँ देखेंगे, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री. तो एक बुक है बुक वन के नाम से और उसके अंदर पेजेस क्या है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री. अगर आप चाहें तो और भी पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पेज पर. ये पेज हमारा क्या है, एक शीट है. शीट किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर मीन्स रो और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट हो रहा है. जहाँ पे कॉलम आपका कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, अल्फाबेटिकल नेम से, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका अल्फाबेटिकल कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी. और जो कि आपका यहाँ पे रो कैसे डिनोट हो रहा है, 1 2 3 4, न्यूमेरिकल नेम से, अल्फाबेटिकल नेम से. हम क्या हो रहा है, क्या डिनोट हो रहा है, कॉलम और न्यूमेरिकल नेम से क्या हो रहा है, रो. जैसे रो 1, ये 1 लिखा है पूरा एक रो, 2 ये पूरा एक रो है, 3 पूरा एक रो है, ठीक है. तो ये क्या है आपका, रो कॉलम का कॉम्बिनेशन. रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन गया, टेबल. और जो रो कॉलम, देखिए रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से बन गया टेबल. अब इसके बाद हम जानेंगे कि इस पूरे टेबल में ये जो एक आपका सेल है, ये जिसे आपको सेलेक्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल. क्या कहेंगे, सेल. जिसका अपना क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक अपना एक नेम होता है. और वो नेम कैसे बना होता है, उसके रो और कॉलम के नियम पर. जैसे ये आपका सेल है, ये किस रो कॉलम पे है, कॉलम ई पर है, और किस रो पे बन रहा है, थर्ड रो पे बन रहा है. तो इसका नाम क्या हो गया, ई थ्री. क्या होगा, ई थ्री. इसका एड्रेस क्या होगा, क्या आएगा, ई थ्री. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कहते हैं सेल एड्रेस. ये जो आपका पार्ट होता है इसे कहते हैं हम लोग सेल एड्रेस. तो ये देखिए आपको स्क्रीन जो दिख रही है ये एक्सेल स्क्रीन है. इसे क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन. ओके,
अब हम बात कर रहे थे अभी सेल एड्रेस की। देखिए सबसे पहला जो आपके बुक में दिया हुआ है सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है, ये एक सेल है जो कि क्या है इंटरजेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सेल क्या होता है इंटरजेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये कॉलम है ये उनका इंटरजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसका क्या है एक सेल है। इसका एड्रेस कहाँ पे दिख रहा है E3, क्या है ई और थ्री कॉलम और रो के नाम पर। उसके बाद क्या है आपका सेल रेंज, सेल रेंज क्या होता है, अगर हम एक रेंज, ये देखिए क्या है एक सेल रेंज, एक रेंज में हमने सेल को अगर सेलेक्ट कर लिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा सेल रेंज, इसी को हम लोग सेल रेंज। यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल सेल्स आर सिलेक्टेड बाय वन टाइम इन अ वन टाइम, ठीक है, एक बार में मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है सेल रेंज। ओके उसके बाद हम बात करेंगे फार्मूला की, फार्मूला देखिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको दिख रहा है, जैसे हमारा क्या है ये है आपका फार्मूला बार, फार्मूला क्या है ये फार्मूला, देखिए यहाँ पे सारे फार्मूला है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट डेट टाइम मैथमेटिक्स और मोर फंक्शन, फार्मूला फंक्शन यहाँ पे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है फार्मूला। हम इसमें देखेंगे सपोज करिए आपका, हम आपको यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना दिखाते हैं, जैसे दो नंबर को ऐड करना हो, सपोज करिए ये दो नंबर हैं, हमने नंबर लिया 25, 14, 36, ये देखिए स्टूडेंट्स हम इस नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करके यहाँ पे लाएंगे और ऐड किससे करेंगे बाय फार्मूला, हमें फार्मूला से ऐड करना है। तो फार्मूला से ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां जिस जगह फार्मूला लगाएं बिल्कुल जगह सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे इक्वल साइन, ये हमारा हो गया इक्वल साइन। इसके बाद देखिए ये इक्वल साइन है, इक्वल साइन के बाद हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें ऐड करना है, जैसे हमने पहले ये नंबर लिखा, इस सेल का एड्रेस लिखा, एड्रेस क्या है E5, ठीक है E5 प्लस अगला सेल एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद अगला सेल एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद अगला सेल एड्रेस और इंटर की हमने प्रेस कर दिया। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आ गई है इन सभी के ऐड आ गए, ठीक है 120 क्या है 25, 14, 36, 45 के ऐड आ गए हैं। हमने कैसे ऐड किया फार्मूला से, देखिए फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है E5, E6, E7, E8, ये क्या हो रहा है किसी सेल के इस सेल के एड्रेस पर हमारा प्लस मार्क का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है इस तरीके से फार्मूला है। सेल रेफरेंस की बात करें, सेल रेफरेंस क्या होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया सेल रेफरेंस होता है सेल का एड्रेस, क्या होता है सेल का एड्रेस, सपोज करिए आपका ये सेल है 120 जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है जिस पे ये 120 लिखा हुआ है, इसका अभी एड्रेस क्या है आपका E9, क्या है E9, ये देखिए लिखा है इसका एड्रेस E9। ओके आगे हम लोग चलते हैं इंटर अ फार्मूला, फार्मूला इंटर करने के लिए याद रखिएगा हम सबसे पहले कोई भी फार्मूला एंटर करेंगे इक्वल साइन लगाएंगे, सबसे पहले अपना कर्सर उस जगह प्लेस करेंगे जहां पे फार्मूला एंटर करना है इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद उस सेल का एड्रेस एंटर करेंगे जिसको हमें ऐड करना है। देखिए ये हमारा क्या है E5, ये E5 इसका एड्रेस है, E6 इसका, E7, E8 सभी को हमने लिंक करके प्लस का साइन से ऐड कर दिया। ये हो गया आपका क्या है फार्मूला अप्लाई करने का तरीका। कॉपी या फार्मूला, फार्मूला हम कैसे कॉपी करेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है तो कॉपी या फार्मूला यहाँ पे दो तरीके फार्मूला कॉपी होते हैं, कैसे कैसे, आप बाई हैंड से फार्मूला को कॉपी कर सकते हो और कॉपी और पेस्ट ऑप्शन से भी आप जाके फार्मूला को कॉपी कर सकते हो। जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे
एरर में क्या होते हैं कि जो भी गलतियां होती हैं उसको हम लोग इसमें जानेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें इसके बारे में, ये क्या है आपका, ये है आपका मेनू बार, ऊपर जो दिया हुआ है वो इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डेट रिव्यू व्यू और इंसर्ट, ठीक है आपके क्या है ये सारे मेनू बार है। इन्हीं मेनू बार का यूज करके हम लोग इन सभी का यूज करिए। फार्मूला जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेनू बार है, यहीं पे ही ऑटो सम नाम का फंक्शन पाया जाता है। इसी ऑटो सम में आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ ऑटो सम में, ये देखिए सम एवरेज काउंट नंबर मैक्स मिन, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मोर फंक्शन के अंदर आप जाके उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे आपके चैप्टर के जो मेन पार्ट हैं, यहाँ पे एक्सेल क्या है, एक्सेल शीट क्या है, बुक्स क्या है, ठीक है, आप कैसे किसी फाइल को सेव करते हो इसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। सपोज के लिए हमें इस पेज को सेव करना है, तो सेव करने का देखिए दो तरीका है। एक आपका ऑप्शन है क्या है, ये आप यहाँ पे जाओगे, ये आपका विंडो का ऑप्शन, इस पे आप जाओगे सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे क्या कहेगा देखिए स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, दूसरे पर जाएंगे, यहाँ पे जाने पर हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन हमारा आने पर हम यहाँ पे उस बुक का नाम देंगे जो भी आप नाम देना चाहो, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद एंटर की आप प्रेस कर दोगे, इसे आपका फाइल सेव हो गया इस नाम से और आपका जो नाम है वो आपको वापस फिर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कैसे कोई भी फाइल हम लोग कैसे हम लोग एक्सेल पे किसी भी तरीके की एक्सेल शीट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्सेल शीट के बारे में हमने आपको बताया, फार्मूला के बारे में बताया, फंक्शंस के बारे में बताया, सेल क्या होते हैं, रो कॉलम्स क्या होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये है आपका स्प्रेडशीट, इसे आप कहते हो, जिसे हम लोग कहते हैं टेबल्स, इसे टेबलर फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी जानकारी आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया, इससे अगर आपको नहीं समझ में आता तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।